नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल मिथिला जी की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। तो आपसे फिर वही एक ही रिक्वेस्ट मैं करती हूँ कि मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और चलिए, आज मैं आपको एक बिल्कुल नई रेसिपी बनाने जा रही हूँ। रोज़ सब्जी बनती, आज मैंने सोचा मैं आज थोड़ी सी मीठी डिश बनाऊँगी जो बहुत ही हेल्दी, बहुत ही जल्दी बनने वाली और बहुत ही फायदेमंद। ये देखिए, ये है खड़ी मूंग यानी साबुत मूंग। तो ये हम दो कटोरी ले लेंगे, ये साबुत मूंग है, इसको हमने दो कटोरी ले लिया। ये देखिए कितनी अच्छी अच्छी मूंग है ये, लेकिन फिर भी ये मार्केट की है तो मैं इसको कम से कम दो तीन पानी से धुलूंगी, वो भी गर्म पानी से। इस मूंग को धुलेंगे, इसके बाद थोड़ा सुखाएंगे, इसके बाद आपसे मिलते हैं। इसका मतलब धुलने के बाद मैं एक सूखे कपड़े में फैला दूंगी पंखे की हवा में, क्योंकि अब धूप निकल चुकी है तो अचानक से मन किया कि बना लें। तो ये देखिए धूप निकल गई है, तो अब हम इसका पंखे की हवा में डाल देंगे तो ये सूख जाएंगे। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, ये देखिए मैंने चढ़ा दिया है कढ़ाही और गैस जला दिया है। अब इस ये मूंग जो है ये मैंने धुल के कपड़े से पोंछ के हवा में सुखा दिया है 5 मिनट में। अगर आप सवेरे बना रहे हैं तो धुल लीजिए और धुल के धूप में डाल दीजिए, बस पानी मरना है इसका। और अब इसके बाद देखिए हम इसको सेकेंगे, इतना सेकेंगे कि थोड़ा सा इसका कलर चेंज होगा। ये देखिए, ज़्यादा हम इसको नहीं चेंज करेंगे। ये देखिए गैस जल गई हमारी, अब इसको हम सेक लेते हैं। ये देखिए बहुत हल्का सा हमें इसको सेकना है, थोड़ा सा इसका कलर जो है वो चेंज हो जाए। ये देखिए, हाथ से नहीं छूने वाला, थोड़ा गर्म हो गई। बस आप इतना इसको सेकें कि मुट्ठी में रख सकें बस। ये देखिए अब मैं इसको मिक्सर जार में डाल के इसको पीसूंगी, महीन इसका पेस्ट बनाएंगे, कैसा, बिल्कुल आटे जैसा। ये देखिए, ये ज़्यादा दरदरा भी ना हो, मैदा जैसा भी ना हो, जैसे गेहूं का आटा होता उस तरह का होना चाहिए। मैदा नहीं बनाना है मुझे, थोड़ा अगर क्रिस्पी भी रहेगा तो कोई बात नहीं, लेकिन बनाना मुझे आटे जैसा है। तो चलिए हम इसको पीस के दिखाते हैं। घी डाल दिया, अब इसमें ये हम मेवे डाल देते हैं। ज़्यादा इसको हम जलाएंगे नहीं, बस थोड़ा सा हल्का भूरा कलर ले आएंगे बस। अब ये देखिए कि मेरा मेवा भुन गया है, अब इसको हम रख देते हैं। गैस जल रही, स्लो कर देते हैं। ये देखिए मुझे इस तरह का पाउडर चाहिए इसका, ऐसा ही आप बनाइएगा। ये देखिए, ये देखिए फाइन पाउडर, ये बहुत बारीक, बिल्कुल जैसे गेहूं का आटा होता है। ये देखिए, तो अब इसको हम इस जो घी है इसी में, ज़्यादा घी है हम थोड़ा सा निकाल लेते हैं और इसके बाद इसको हम इसी में फ्राई करेंगे। घी हम डालेंगे, ये भी डालेंगे, लेकिन थोड़ा रुक रुक के डालेंगे। और ये मूंग का हलवा जो दाल वगैरह का बनता है, इसमें घी बहुत लगता है। बस इतना डालेंगे, इतना बाद में फिर डालेंगे।
तो ये जो हमारा पेस्ट है इसको, ये जो आटा है इसको हम इसमें डाल देते हैं। ये दो कटोरी मैंने लिया था, आपने देखा है वही है, इसको धुल के सुखा के कपड़े से पंखे की हवा में इसको पीस लिया मैंने। आप अगर सवेरे करते हैं तो धूप में सुखा लीजिए। अब इसको हम ऐसे पीस, ऐसे देखिए इसको भी ज़्यादा जलाना नहीं है क्योंकि मैंने मूंग भी भून रखी है ना, इसलिए इसको थोड़ा थोड़ा करके लिए। इसे घी मिक्स कर लेंगे, धीमी आँच पे, बहुत तेज आँच पे ना करें। इसमें भी है, कपड़ा से पकड़ लेते हैं कढ़ाई। इसके बाद इसको ऐसे ऐसे हल्का सा भून लेते हैं। इसे खुद अपने आप में महक आने लगेगी, स्लो आंच पे भूने, जलने ना पाए। इसमें जो गांठे हैं ये हमको खत्म कर देना है। अब जो बाकी घी बचा है वो भी हम डाल देते हैं। देखिए इसमें आप घी चाहे जितना डालें, ये स्वास्थ्यवर्धक लड्डू होते हैं और पौष्टिक भी बहुत होते हैं। मूंग है ना, मूंग बहुत प्रोटीन युक्त होती है, तो घी तो आप चाहे जितना डाल दें, जितना ज़्यादा घी डालेंगे उतने ही ज़्यादा लड्डू बन जाएंगे। अगर आप इसको बेसन जैसा गीला कर देंगे तो चीनी और ज़्यादा सोखेगा। मतलब जितना आप इस बेसन, इसको मूंग की दाल को, आटे को, मतलब जितना ही आप देसी घी में फ्राई करेंगे उतना ही ज़्यादा ये चीनी सोखेगा। अगर आप चीनी में बनाएंगे तो चीनी सोखेगा तो ज़्यादा लड्डू बनेंगे। ये देखिए, लेकिन हम मतलब भर का घी डाल रहे हैं। देसी घी भी एक एज के बाद हार्ट के लिए नुकसानदायक होता है। ये देखिए, वैसे ही इसको हम भूनते रहेंगे। अब ये देखिए दोस्तों, ये जैसे ऐसे पलटो तो ये नीचे से ब्राउन ब्राउन से निकल रहा है, भूरा कलर का, तो इसका मतलब ये पक चुका है। ये और ऐसे सूंघ लीजिए, बहुत अच्छी से महक आ रही है। तो बस मुश्किल से एक मिनट और इसको हम ऐसे उलट पलट देंगे थोड़ा सा गैस तेज करके। पहले भी मैंने मूंग भून रखी है, ये कच्चा तो है ही नहीं है। अब देखिए गैस को हम कर देते हैं बंद और इसको, ये जो आटा है मूंग वाला, इसको भी इसमें निकाल देते हैं। एक कपड़ा और ले लेते हैं। ये कढ़ाई साफ हो गई। अब इसको हम तब तक ठंडा होने के लिए साइड में रख देते हैं। इसके बनाते हैं इसके लिए पाग यानी चाशनी। हम लोग के यहाँ पाग बोलते हैं गांव में, तो चाशनी। लेकिन मैं आपको बताऊँ, मैंने ये देखिए, मैंने चीनी मंगाई भी थी बुरादा वाली, लेकिन मैं गुड़ का बनाऊँगी, चीनी का नहीं बनाऊँगी। तो ये देखिए मैंने इसमें गुड़ डाला है। ये देखिए ये गुड़ है मेरा, बहुत अच्छा वाला गुड़ है, ये दिखा रही हूँ आपको। ये देखिए ये बहुत ही टेस्टी गुड़ है, देखिए गांव का बना हुआ है, जैसे कोल्हू में पेड़ के पहले बनाया जाता था। आपकी दादी नानी जानती होंगी, आप लोग नहीं जानते होंगे, गांव में बनता था गन्ना, घर में कोल्हू में पेरा जाता था, इसके बाद वहीं कराह चढ़ा के गुड़ बनाया जाता था, ये वही गुड़ है। तो आप देखिए इसको मैं
जितना मेरा मूंग का आटा है उसका आधा मैं गुड़ लूँगी। तो ये कम से कम देखिए, मैं ये देखिए लड्डू हैं, खाने में बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे टाफी बिल्कुल। बस इतना ही डालेंगे, ज़्यादा मीठा अच्छी चीज़ नहीं होती। अब इसको हम बंद कर देते हैं ठीक से, क्योंकि ये आपको एक ट्रिक बता दें कि गुड़ जो होता है ये बरसात के महीने में बहुत जल्दी पिघल जाता है। ये देखिए ये हो गया। अब इसमें हम कितना पानी डालेंगे आपको नाप के दिखा दें, मुश्किल से 2 चम्मच। ज़्यादा डालेंगे तो हमको जलाना पड़ेगा। ये हो गया, अगर हमने इसमें ज़्यादा पानी डाल दिया तो फिर मतलब हमें उस पानी को ज़्यादा देर तक जलाना पड़ेगा। ये देखिए मेरी चाशनी तैयार हो गई। इसको मुझे कई तार की नहीं बनानी है, बस इसको घोलना है खाली। तो ये देखिए ये हो गई। अब इसमें हम वो वाली दाल डालेंगे। अभी गुड़ जितना इसमें सोखेगा उतना ही हम डालेंगे। यानी पड़ जाएगा सारा। देखिए हम इसमें डाल देते हैं। तो ये देखिए ये मैं लड्डू बना रही हूँ। ये देखिए तो ये मैं बुरादा में नारियल का मेरे बुरादा है। लड्डू आप अपने साइज के बनाइए, आपको जितना बड़ा छोटा पसंद हो। मैं तो छोटा छोटा बना रही हूँ, इतना छोटा भी नहीं है, फिर भी ये देखिए ये ऐसे ऐसे करके ऐसे हाथ से। और ये हमारा बुरादा है, ये देखिए इस बुरादे में मैं इसको लपेट देती हूँ, नारियल का बुरादा है। तो ये मैंने गुड़ का बनाया है, अगर आपको चीनी का बनाना है चीनी बनाइए। तो चीनी के तो बुरादा आजकल ये बूरा वाली चीनी बाजार में मिलती है,
अब मंगा लीजिए, और या तो फिर शक्कर जो है मिक्सी में पीस लीजिए। बस साइज से लड्डू बना लीजिए, जितना बड़ा छोटा आपका मन हो, ठीक है। हर गरम गरम में ऐसे ही आप बुरादा लपेट दो नारियल वाला, और नारियल के बुरादा नहीं है तो आप थोड़ा सा गरी मंगा लें गोले वाली, और उसको कद्दूकस करके बना लें, या तो फिर बारीक बारीक गरी इसी में जैसे हमने सारे मेवे डाले उसी समय इसको डाल दें। ये देखिए इसका पाक बहुत अच्छा हुआ है, बंधते बन रहा है, मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि हम बांध नहीं पाएंगे। ये देखिए, अगर मान लीजिए आपको, ये भी आपको ट्रिक बता दूं कि अगर ये लड्डू बनाने में आपको प्रॉब्लम आ रही है, मतलब हमारा गुड़ का पाक थोड़ा कड़ा हो गया है, तो थोड़ा सा दूध मिला लीजिए, गर्म दूध मिला लीजिए। बस गर्म दूध मिलाने के बाद बिल्कुल बढ़िया सा बन जाएगा। ठीक बन गए, मैंने थोड़े बनाए हैं ज़्यादा, लेकिन ये बहुत ही पौष्टिक होते हैं। ये समझ लीजिए आपको जैसे आधा सर दर्द कर रहा हो, तो आधा सर दर्द में ये सवेरे उठ के 5 बजे उठ के इसको खा लीजिए। एक बार मैंने काली मिर्च का लड्डू बनाया था, वो आप लोगों को दिखाया था, वही स्टाइल इसकी भी है। और कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताएं कि ये लड्डू आपको कैसे लगे, और अगर आप दाल के भी लड्डू आपको पसंद है तो मैं वो भी आपको बना के दिखाऊंगी। लेकिन आप प्लीज़ बताइएगा कि हमारे ये लड्डू कैसे लग रहे हैं। ये बहुत ही फायदे के हैं, बच्चे बड़े बूढ़े सबको बहुत पसंद आएंगे, इसीलिए मैंने नारियल वगैरह लगा दिया है कि बच्चे थोड़ा मुंह बनाते हैं ना, दाल का लड्डू है। लेकिन ये आप बाजार में लेने जाओगे तो 300-350 रुपये किलो मिलता है मूँग का लड्डू। ये देखिए, अब मैं आपको, कल तो मेरा मंडे है, फास्ट है, मैं ट्यूसडे को आपको मूंग की दाल का लड्डू बना के दिखाऊंगी। उसमें घी बहुत लगता है, उसका हलवा भी बनाऊंगी, लड्डू भी बनाऊंगी और आपको दिखाऊंगी। तो ये आपको रेसिपी कैसी लगी दोस्तों, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। देखिए अपने आप से ही बन गया, हमारे हाथों में हमको घी की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ये देखिए इसमें घी है ना, जब ऐसे दाबो तो घी खुद ही निकलता है। ये देखिए, ये जैसे ऐसे ऐसे आप दाबोगे वैसे वैसे घी निकल आएगा। इसको ऐसे लगा देते हैं और इसको बुरादे में ऐसे करके लगा दीजिए। ये देखिए दोस्तों, तो ये आपको मूंग के लड्डू कैसे लगे, बहुत ही पौष्टिक बहुत ही टेस्टी। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो, प्लीज़ एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिथिला जी की दुनिया आपका ही चैनल है, आपके सपोर्ट से बना हुआ है।